अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। हम लोग हल्दी का इस्तेमाल करते हैं जिसे टर्मेरिक कहते हैं, और हर खाने में तकरीबन देसी खानों में तो जी वो जो पाउडर फॉर्म में होता है उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नहीं रहती, लेकिन अगर हम ये वाली इस्तेमाल करें हल्दी जो कि मुझे मिल गई सुपरमार्केट से, तो मैंने इसको इस तरह किया कि इसको ये टिशू में इसको गीला करके उसके समझ लीजिए 10 से 12 घंटे के लिए टिश्यू में लपेट के रख दिया कि थोड़ी सी स्प्राउटिंग इसमें हो जाए। अच्छा, ये मई का महीना है, इसमें आप इसमें लगा सकते हैं, और सेम जिस तरह से हम अदरक लगाते हैं अदरक की तरह ही इसको लगाया जाता है। और ये मैंने रात को रखा था, तकरीबन समझ लीजिए 10 से 12 घंटे हो गए। ये देखिए स्प्राउटिंग, आप देखिए, तो ये जो है हम लगा सकते हैं और अपने घर में इस तरह से ये देसी फॉर्म में, देसी फॉर्म मीन्स ये कि रॉ फॉर्म में ये हमें हल्दी घर से ही मिल जाएगी। और इसकी जो अफादियत है वो यूँ समझ लीजिए कि जो हम कहते हैं ना हमारे री का दर्द है, मल्ली बादी जिसे पंजाबी में कहते हैं, आपको अगर रिया का दर्द है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, खाना हजम नहीं होता, तो आप इस तरह की रॉ फॉर्म में लीजिए हल्दी। इसको आप इसको पील ऑफ कीजिए, इसको छील लीजिए, और छीलने के बाद फिर इसको क्रश करके दूध में डाल के पका लीजिए और रात को सोते हुए पी लीजिए। यकीन कीजिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द और जॉइंट्स का पेन, स्पेशली आजकल तो बच्चों का भी घुटनों में दर्द है, तो आप ये उनको दीजिए, यकीन कीजिए आपको आराम आएगा। अच्छा, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही, इसको मैं आज ही ग्रो करने लगी हूँ, लगाने लगी हूँ। तो जी ये मैंने रात को बताया जैसे आपको टिश्यू में करके रखा था, और अब मैं लगाने लगी हूँ। बहुत आसान तरीका कार है इसका। अब ये स्प्राउटिंग इस तरह से है, ऊपर की साइड में है, तो हम ये इसको ऐसे लगाएंगे। देखिए महीना यही होता है, मई का महीना। अच्छा, इसकी जो हमने सॉइल मिक्सचर लिया है, ये हमने लिया है जी बिल्कुल ही वेल ड्रेन। वैसे तो आपको पता ही होगा कोई सी भी चीज़ हम लगाते हैं तो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। तो ये मैंने एक अभी आपके सामने लगा दिया, और सेकंड ये है, देखिए इसमें भी स्प्राउटिंग हो रही है इधर से, इन दोनों को। तो हम ये इसको ऐसे लगाएंगे। अच्छा, अगर आप बड़ा पॉट लेंगे तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, और अगर आप छोटा लेंगे, मैंने 10 इंच का ही लिया है, तो 10 इंच में ये मेरे तीन, मैंने ये तीन ली हैं हल्दियाँ। ये देखिए इधर से भी स्प्राउटिंग हो रही है, और इधर से भी हो रही है, इसलिए मैं इसको भी लगा रही हूँ। बहुत आसान तरीक़ाकार है, बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। आप हल्दी को लगाइए और घर में हार्वेस्ट कीजिए। अच्छा, मैं इसकी अपडेट भी आपसे शेयर करती रहूँगी, चाहे दो दो पत्ते भी इसके निकले मैं आपको शेयर करूँगी। इसको आपने रखना कहाँ है, ये है कि जब आप ये लगा रहे हैं हल्दी, तो आपने इसको जिस साइड से स्प्राउटिंग है इस साइड से इसको आपने लगाना है, और लगाने के बाद बिल्कुल आप देखिए आपने इस तरह रखना है और मिट्टी डाल देनी है। बहुत ज़्यादा गहरा गढ़ा नहीं करना है आपने, और आपने मिट्टी डालनी है। मिट्टी डालने के बाद मिट्टी, फिर मैंने बताया वेल ड्रेन होना चाहिए, और आप बहुत आसानी से जैसे हम अदरक घर में लगा लेते हैं ऐसे ही लगा लीजिए। और ये जो होती है इस फॉर्म में जो मैंने अभी आपको बताया है, और लगाने के बाद तो आपको पता ही होगा जब भी हम कोई चीज़ लगाते हैं पानी डालते हैं, और पानी हम भर के डालते हैं, और इसको रखना है हमने छांव में, बिल्कुल सनलाइट में नहीं रखना। सनलाइट में रखने से ये ख़राब हो जाएगा। तकरीबन 10 से 15 दिन इसको आपने सनलाइट में रखना है। पानी नमी रखनी है इसके अंदर, बस आपने ये ख्याल रखना है मॉइस्चर इसके अंदर रहना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और मैं दोबारा बता दूँ कि अगर आप घुटने में दर्द है, और या बादी की शिकायत है, बॉडी में वर्म रहता है, दर्द रहता है, जॉइंट्स पेन है, उन सब के लिए ये वाली हल्दी फ़ायदेमंद है। अगर आप वो लेते हैं पाउडर फॉर्म में तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। ये आप लाइए। और ये कहाँ से लिया, मैं एक सुपरमार्केट गई तो वहाँ मैंने वेजीज के उसमें काउंटर पर देखा, तो मैंने इस तरह की ये हल्दी उठा ली। तो आप भी लीजिए और हल्दी वाला दूध बनाइए, और बीमारियों को दूर भगाइए। वैसे ही जो आजकल COVID-19 की वैसे आपको पता है बीमारियां फैल रही हैं, और बकौल डॉक्टर के, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन बकौल डॉक्टर के वो कहते हैं अगर आपका मैदा स्टमक स्ट्रॉन्ग होगा तो आप जो है बीमारियों से लड़ सकेंगे। तो इसीलिए आप हल्दी को इस तरह के रॉ फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए बजाय पाउडर फॉर्म में, तो इंशाल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। मुझे आप इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।